जय माता दी फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम फिट और फाइन हूँ। और आज है बुधवार, डेट आज कौन सी है? 15 तारीख है। और इस वक्त टाइम हो रहा होगा 2:30 बज रहा होगा, 2:30 से ऊपर 2:45 हो रहा होगा, क्योंकि मेरी आधा घंटा लेट घड़ी है। देख लीजिए मेरी घड़ी लेट चल रही है। और आज के ब्लॉग में कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी इतनी सी बातचीत है, वो भी मैं अपने बनारस के बारे में आज आप लोग को बताऊंगी, मेरा बनारस कैसा है और वहां क्या है, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक चीज मैं दिखा देती हूँ, ये ब्लाउज देख, कितना प्रीटी सा ब्लाउज है ना, है ना? और ये है मेरे ख्याल से 6 साल पुराना हो गया होगा, ये पहनने में नहीं है, रखा है, न्यू रखा हुआ है। इसको मेरी बहन सिली थी और ये उसको मेरा नाप तो मालूम नहीं था, अंदाज से सिली थी और काफी टाइट। ये जो होती है ना यहाँ का, ये आर्म होल, ये बहुत छोटा, बहुत कसता है, यहाँ कसता है, इसकी बाहीं भी छोटी कर दी है। मेरा मोबाइल गिर जाएगा बाबू। इसका ये भी छोटा कर दी है, ये भी कर, ऐसा लगता है ना यहाँ से, जैसे ना यहाँ से मेरा हाथ कट जाएगा, इतना टाइट था। दो सिलाइयां खोले हैं, अब तीसरी सिलाई खोलने की जगह नहीं है इसमें, देख लीजिए आप, इसमें जरा सा भी मार्जिन नहीं है, तीसरी सिलाई खोलने की जगह नहीं है। इस हैंड का तो फिर भी ठीक है, तो ये इतना है, और ये वाला हैंड थोड़ा मोटा होता है ना, राइट हैंड साइज थोड़ा मोटा होता है, तो इसकी देख रही पूरा, ये मैं इतना खोल दी हूँ। अब मैं इसको दबाऊं क्या? दबा दे रही हूँ तो यहाँ कसने लग रहा है। तो फिर मैंने क्या सोचा था कि रेड कलर का बाही है इसकी ना, इसकी स्लीव्स रेड कलर की है, तो मेरे पास ये रेड कलर का कपड़ा है जो मैंने भगवान जी को बिछाया था, रेड कलर का कपड़ा है, तो मैं यही सोच रही हूँ कि इसी का मैं यहाँ पे बाही लगा दूँ, और इसका जो ये बॉर्डर है खोल के इसको लगा देंगे बाही पे, है कि नहीं? और ये ढीला हो जाएगा, इसका आर्म होल भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे यहाँ से, तो मेरा ब्लाउज एकदम परफेक्ट हो जाएगा, बहुत सुंदर लगता है। इसकी साड़ी ना ब्लैक कलर की साड़ी, एकदम प्लेन ब्लैक है, और इतना चौड़ा गोल्डन में, प्लेन गोल्डन में बॉर्डर था तो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा था, प्लेन गोल्डन था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया था उस पे ना, जो चुनरी कह लीजिए, लाल पीला हरा नीला, मैच पूरा मल्टी कलर में, उसका एक छोटा सा बॉर्डर लिया था, इतना चौड़ा सा बॉर्डर लाके, सॉरी लेस लाके, लेस कोटा, आई डोंट नो, लेस लाके उसी गोल्डन बॉर्डर के ऊपर मैंने लगा दिया था, बहुत सुंदर लग रहा था। साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, ये सब साड़ियाँ मैं इसी तरह रखी हुई है, तो जो साड़ी मैंने निकाली है डेली उसके लिए, उसपे ब्लाउज नहीं था तो उसपे मैं ये पहन रही थी। लेकिन मैं सोच रही हूँ ठंडी भर रख दूँ, क्योंकि ठंडी भर तो फुल स्लीव्स ही चाहिए, तो मैंने येलो कलर का सिलाई हुई मैं पहनूंगी, और इसमें मैं इसकी बाही लगा दूंगी जिस दिन भी मन करेगा। मन नहीं करता यार, बड़ी जंगल छोटी हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता है। हाँ तो मैं कह रही थी आज मैं आप लोग से अपने बनारस के बारे में बात करूंगी। तो आप लोग को पता है मैं बनारस से हूँ, बनारस की रहने वाली हूँ, तो अगर आप लोग जानते होंगे तो बनारस यूपी में पड़ता है, मेरे ख्याल से सभी जानता होगा, बनारस तो वर्ल्ड फेमस है, बनारस को तो सब जानते ही होंगे, यूपी में पड़ता है, बहुत ही फेमस जगह, बहुत ही अच्छी जगह है बनारस। बनारस टूरिस्ट के लिए तो बहुत अच्छी है, और मतलब कि आप लोग को पता होना चाहिए कि बनारस का साड़ी और बनारस का पान फेमस है, फर्स्ट बनारस की साड़ी, सेकंड बनारस का पान फेमस है, उसके बाद नंबर आता है बनारस की गली। बनारस की गली भी फेमस है, क्योंकि मैं बनारसी होते हुए भी मैं उतना बनारस में नहीं घूमी हूँ, और जितना भी मुझे मौका मिला शादी के बाद तो मैं थोड़ा बहुत अगर घूमी हूँ, तो मैंने देखा है कि हाँ बनारस की गली में अगर आप घुसते हो ना, फिर आप जिधर से आप गए हो ना, आप उधर से आ नहीं सकते हो, फिर आप कहाँ से कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। जिसको नॉलेज है गली का, वो गली में जाएगा तो ठीक, और नहीं तो फिर वो गुम हो जाएगा। और गुम होने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम गुम हो जाओगे, घूमने का मतलब कि आप अगर आप मैदागिन से घुसते हो तो आप गदोलिया निकलते हो, किधर निकलते हो कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है आप किधर जाओगे, लेकिन आप कहीं भी जाओगे तो आप सेफ रहोगे।
ये कि रास्ता भूल जाओगे, आपको पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। और एक तो ये है ना कि गलियों में ना इतनी ऊंची ऊंची मकान, इतनी ऊंची ऊंची मकान है, और जो है आने जाने वाले लोग दिखते हैं। और बनारस मंदिर के लिए भी फेमस है, ये भी आप लोग को पता होगा। तो हर गली में हर जगह आपको मंदिर 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 दिख जाएगा। तो मंदिर होने की वजह से लोगों का आना जाना लगा रहता है गली में, दुकान वगैरह गली में रहती हैं, तो आपको गुम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। गली का नॉलेज होना चाहिए। मैं एक बार अपनी मम्मी के साथ गई थी, मुझे तो पता नहीं था भैया, लेकिन मेरी मम्मी को मालूम है। वो मुझे लेके गई थी संकटा जी दर्शन कराने। अब हम लोग गली में घुसे, इधर से उधर, उधर से उधर, कहे मम्मी गुम्मत होइएगा, मम्मी गुम्मत होइएगा। कह रही नहीं चलो चलो, अब लिए कि बाप रे बाप, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली। एक जगह मम्मी भी भूल गई भूल गई थी, हम लोग से पूछे भैया संकटा जी का मंदिर किधर है। हम कहे अरे मम्मी तो घूम कर आई है। लेकिन हाँ, लेकिन मंदिर पहुंचे फिर आते समय इजिली मम्मी आ गई, फिर किसी से पूछना नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, हम लोग जिधर से गए थे उधर से नहीं आए, दूसरे गली से पता नहीं कहाँ से होते होते हम लोग चौका घाट निकल, हाँ चौका घाट नहीं चौक निकल गए, चौक निकल गए हम लोग। कच्चिया भगवान, इतनी गली, सच में बनारस गली के लिए फेमस हो गई। और आपको पता होगा बनारस घाटों के लिए फेमस है। बनारस पे 80 घाट है पूरे, है ना नंदू? हाँ पूरे 80 घाट है। और जिसमें से मैं ज्यादा नहीं घूमी हूँ, मैं जैसे कि आपका एक किया था राजघाट, मेरे घर के पास पड़ा है तो वहां मैं गई हूँ। और दशाश्वमेध घाट तो मार्केट जाते हैं तो वहां चली गई हूँ, कई बार गई हूँ, 2-4 बार गई हूँ, ज्यादा नहीं गई हूँ। उसके बाद 80 घाट पड़ता है लंका पे, मेरी नानी का घर है वहां, तो वहां पे मैं 2-4 बार गई हूँ। उसके बाद एक ये मोदी जी बनवाए हैं नमो घाट, वहां गई हूँ। कुल मिला जाके बस ये 4-5 घाट गई हूँ, ज्यादा नहीं गई हूँ मैं। और एक तो बनारस देखिए, साड़ी हो गया, पान हो गया, गली होगी, मंदिर हो गया, घाट हो गया, और आपका ठग जानते हैं ना, बनारस ठग के लिए भी फेमस है। और बनारस का एक कहा ओ कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं, कहावत कहते हैं, कहावत कहते हैं, आई नो शायद कहावत ही कहते हैं, बनारसी ठग हड़िया में कैसे नंदी? हाँ बनारसी ठग हड़िया में हग, लोग ऐसा बोलते हैं। होता है ना, हर शहर के बारे में कुछ ना कुछ होता है, कहावते तो वही है। तो बनारस जो है ठग के लिए भी फेमस है, क्योंकि यहाँ जो बाहरी टूरिस्ट आते हैं तो भाई कोई है कि कहीं का 10 रुपये किराया है तो 100 रुपये बता दिया, तो ठग है ना, कहाया क्या कहेगा भाई, फायदा सभी उठाना चाहता है ना। अब सब तो बेईमान नहीं होते, लेकिन किसी किसी को भी पैसों की भी लालच हो ही जाती है। आई नो मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बस ये जान लीजिए बनारस ठग के लिए भी फेमस है। और क्या है बनारस के मंदिर, मैंने बता दिया है, यहाँ पे बहुत मंदिर है, अनगिनत मंदिर है। यहाँ पे सारनाथ भी है, सारनाथ भी वर्ल्ड फेमस है, बहुत दूर दूर से विदेश से भी लोग आते हैं सारनाथ घूमने के लिए। अगर आप लोग को कभी बनारस आना हो ना, तो घूमिएगा जरूर, आप सारनाथ जाइएगा, बहुत अच्छा बन गया, बहुत ही अच्छा बन गया है सारनाथ। और मंदिर इतने शानदार शानदार मंदिर बने हुए बुद्ध जी के, ना कि पूछिए मत। पार्क है आपको यहाँ पे, संग्रहालय क्या कहते हैं उसको, संग्रहालय क्या कहते हैं नंदी उसको, म्यूजियम नहीं, अभी वो आई थोड़ा सा, तो म्यूजियम भी है। पता है मेरा बड़ा मन था म्यूजियम में जाने का, मैं कभी म्यूजियम म्यूजियम में गई नहीं थी, मैंने सिर्फ टीवी वगैरह में या फिल्मों में सीरियल्स में ही देखे थे। तो एक बार मैं गई म्यूजियम में, मैंने कहा चलते हैं म्यूजियम में क्या है। गए म्यूजियम में तो मैंने क्या देखा, सारनाथ वाले म्यूजियम में गई, वहां टूटे फूटे बर्तन मट्टी के पड़े हुए थे, आधा कप, आधा प्लेट, टूटी थाली, टूटी हांडी, ऐसे सब टूटे फूटे। मैंने कहा बहुत, और बहुत लंबे में था, बहुत लंबे में था, बस मैं एक तरफ में गई, मैं उब गई हूँ कि ये टूटा फूटा देखने के लिए हम लोग आए हैं पैसा लगा कर। तुरंत मैं वहां से वापस आ गई, क्योंकि मुझे नहीं देखना है ये टूटा फूटा मट्टी का बर्तन, मेरे किस काम के भैया ये सब। तो मैं वापस आ गई, फिर मैं म्यूजियम का नाम नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे मैं इतना घूमने के लिए है, आपका घाट्स वगैरह तो है ही है। और एक तो यहाँ पे चलता है वो क्या कहते हैं उसको नंदी, जो कौन सा नाव है, क्या नाम है, सोनपरी, सोनपरी नाम से एक है, और एक कोई क्रूज करके ऐसा कुछ करके कुछ नाम से है।
जो सीट्स चलती हैं यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैं उसमें बैठी नहीं हूँ, जानती हूँ कि उसमें फैसिलिटीज वगैरह बहुत अच्छी हैं। आइएगा तो उस पर भी आप लोग शेयर करिएगा, वो आपको पूरा घाट घुमाएंगे, पूरा 80 घाट आप लोग को, 700 750 ऐसे था उसका है, तो आपको पूरा घाट आपको उसको घुमाएंगे आप लोग को। और यहाँ के मंदिर जरूर घूमिएगा, यहाँ मंदिर बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए जैसे कि आपका हो गया संकट मोचन हो गया, दुर्गा जी हो गई, और आपका विश्वनाथ जी तो है ही है, एक नए विश्वनाथ जी एक पुराने विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी की वजह से तो बनारस फेमस है। ये हो गया, और भी छोटे बड़े सब बहुत से मंदिर हैं। और आपका यहाँ रामनगर का किला भी है, रामनगर का किला भी जरूर चाहिएगा घूमने के लिए। पहले की तरह उतना ओपन नहीं है, वो शायद और सब बंद कर दिया गया है, तो थोड़ा बहुत है जो भी है मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे गए 23 साल हो गए, बहुत साल हो गए। मेरे ख्याल से मैं शादी के पहले का गई हूँ, अपने मामा के यहाँ थी तो मेरे मामा लेके गए थे, तब का मैं घूमी हूँ। अब 2 ही बार से मैं गई हूँ वहाँ पे, दो ज्यादा नहीं, 2 या 3 बार मैं गई हूँ। अच्छी जगह है रामनगर का किला भी, देखने लायक जगह है, वहाँ पे भी जाइए। और तो कितनी जगह मैं नाम भी नहीं जानती हूँ। यहाँ के मॉल्स घूमिए आकर, मॉल्स है घूमने के लिए। और बनारस का दशाश्वमेध घूमिए, दशाश्वमेध मार्केट फेमस है, हर चीज आपको मिलेगी। बनारस की दाल मंडी में जाइए, बनारस के अढ़ा के सरा में जाइए, घूमिए खूब, पूरा बनारस घूमिए, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आप लोग को बनारस घूम के। जो बनारस में रहते होंगे तो जानते ही होंगे, तो आप लोग भी आइए और बनारस में घूमिए, बनारस का आनंद लीजिए, बहुत 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 अच्छी जगह है। एक बार आप लोग जरूर आइएगा और जरूर घूमिएगा और बताइएगा मुझे, मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ, बनारस ऑल द बेस्ट है। और मुझे गर्व होता है कि मैं बनारसी हूँ, सच कहती हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कहते हुए कि मैं बनारसी हूँ। मेरी शादी मिर्जापुर में हुई, लेकिन मैं अपने आप को मिर्जापुरी कभी नहीं कहती, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं ना कि मिर्जापुर से जो मैं मुझे जो मिलना चाहिए ना, एक्चुअली मिर्जापुर ने तो मेरे साथ गलत नहीं किया है, जिनके घर में आई हूँ उनके वजह से तो मुझे खुशियाँ वो नहीं मिली, या जो मैंने चाहा मुझे नहीं मिला, या जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो इस वजह से मैं मिर्जापुर को एकदम पसंद नहीं करती हूँ। मैं हमेशा अपने आप को बनारसी कहती थी, बनारसी हूँ, बनारसी ही रहूँगी, आई लव बनारस। तो आप लोग आइए और जरूर घूमिएगा बनारस। और एक बार और आप लोग को पता है बनारस को काशी भी कहा जाता है, और काशी जो है त्रिशूल जी की जो सॉरी काशी जो है शारदा जी की त्रिशूल पेटी का है। काशी काशी यानी लोग पूरे बनारस को ले लेता है, पूरा बनारस काशी में नहीं आता है, जो कहते हैं ना काशी कहते हैं ना, जो आप 80 गंगा है, 80 गंगा और वरुणा नदी के बीच में जो बसा हुआ है वो काशी आता है। तो पूरा ही बनारस को ही काशी कहते हैं, लेकिन काशी जो मेन काशी है वो 80 घाट और वरुणा नदी है उसके बीच में बसे हुए शहर को, मोहल्ले को, इलाके को ही काशी बोलते हैं। और उतने में जो मरता है वो स्वर्ग, उन्हें मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा लोग कहता है। तो मेरा जो पुराना घर था वो काशी में था, लेकिन फिर हम लोग वरुणा नदी पार करके अब हम लोग आके रहने लगते हैं, तो हम लोग काशी से बाहर हो गए हैं, तो बनारस में ही। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बनारस के बारे में इतनी जानकारी दी आप लोग को, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और मुझसे ज़्यादा अगर कोई जानता है बनारस के बारे में तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जितना जानकारी उतना मैंने दे दिया है। और हाँ ये भी मैं बता दे रही हूँ, बनारस की कचौड़ी जल्दी भी फेमस है, आइएगा तो वहाँ जरूर घूमिएगा आप लोग। बनारस का मलाइयो भी फेमस है, आइएगा तो खाइएगा, मैंने कभी नहीं खाई है लेकिन आप लोग जरूर खाइएगा। मैं तो कभी जानते भी नहीं थी क्या होता है ये मिर्चापुर आके मैंने देखा था मलाइयो, यानी यहाँ पे वो कहते हैं आओ, यहाँ कहेंगे आओ कहते हैं, तो जिसे देख के मुझे घिन आती है, मैंने कभी नहीं खाई, मैंने ऐसे ऐसे भी नहीं किया, लेकिन मुझे उसे देख के ही घिन आती है। तो आप लोग आइएगा तो बनारस का मलाइयो भी खाइएगा और घूमिएगा भी, इंजॉय भी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा भी कमेंट्स करके कैसा लगा मेरा बनारस आप लोग को। ओके। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरा बनारस अच्छा लगा हो,
तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप लोग इसी तरह चले जा रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब किया करो यार। आप लोग के लाइक से, आप लोग के कमेंट से थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा इंसान को उत्साह मिलता है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग देख रहे हो, आप लोग को पसंद आ रहा है। बस ये है, उससे कुछ लाइक से कमेंट से कुछ होता नहीं है, सब्सक्राइब वगैरह से कुछ होता नहीं है, आप लोग को पता होगा। तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।